हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुस्सा यानी एंगर। हमें गुस्सा ये क्यों आता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई कुछ कह दे तो गुस्सा। भीड़ में चल रहे हैं, किसी का हाथ पैर लग जाए तो गुस्सा। घर में बैठे हुए लाइट चली जाए तो गुस्सा। फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अचानक फ़ोन कट जाए तो गुस्सा। टीवी चल रहा हो, अचानक केबल चली जाए तो गुस्सा। गुस्सा आने की बहुत सारी वजह है। मेन कारण क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं या कोई काम हमारे तरीके से नहीं हो रहा होता या हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा होता तो हमें गुस्सा आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भावना व्यक्त करने का माध्यम है। जैसे हम जब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या हमारे मन में कोई डर बैठ जाता है या फिर हमें किसी चीज़ के खो जाने का डर होता है, जैसे हमारे अपने, हमारी इज्जत, हमारी संपत्ति या खुद की पहचान, और ख़ास तब जब हमारे पास ऐसे हालात से निपटने के लिए कोई हल नज़र नहीं आता। उदाहरण के लिए, हम किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं और वह व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पा रहा है और आपसे बात विवाद कर रहा है तो हमें गुस्सा आने लगता है। या फिर हमें पता चलता है कि हमारे अपनों को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो हमें गुस्सा आता है। अगर हम अपने गुस्से पर काबू करना सीख लें दोस्तों, तो समझ लो कि हम हर चीज़ जीत सकते हैं, यानी हमारा हर काम आसानी से हो सकता है। हम गुस्से में अपना साधारण स्वभाव भूल जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह है कि हमारे मस्तिष्क में जो हार्मोन्स के प्रभाव से दिमाग सुन्न हो जाता है और हमारे सोचने की क्षमता पर असर पड़ता है। हम ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं कि जिसके बाद में हमें पछतावा होता है। गुस्से से हम सिर्फ अपना ही नहीं, हमारे अपनों का भी नुकसान करते हैं। हमारे ज़्यादा गुस्सा होने से वो लोग भी परेशान हो जाते हैं, उन्हें हमारे गुस्से से बहुत तकलीफ़ होती है। धीरे धीरे वो हमसे दूर होने लगते हैं और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि लोग हमें पसंद करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमसे जितनी बार खुद को समझा लें कि गुस्सा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, पर जब गुस्सा आता है ना तो उसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, पर किसी ने ये नहीं बताया कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। आपने ये ध्यान दिया होगा कि चाहे हम जितना खुद को समझाएं कि गुस्सा नहीं आए, नहीं आए, पर जब आता है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। पूरे बचपन हमें यही घर वालों ने सिखाया है कि बेटा गुस्सा नहीं करते। टीचरों ने भी यही बताया कि अपने गुस्से को रोक कर रखो, पर जब आता है तो हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। जब हम अपने आसपास की गलतियों को देखते हैं तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, जब कोई गलती करता है, हमारे अंदर गुस्से की इतनी तेज लहर दौड़ती है और जितनी तेज़ी से दौड़ती है वो उतनी तेज़ी से नीचे भी जाती है। बस वही टाइम है कि उस बीच को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो दोस्तों हम सब जीत जाएंगे। जब हम गुस्सा करते हैं हम उस समय खुद को तैयार नहीं रखते हैं। समझने के लिए पहली बात है कि गुस्सा किसी गलती के ऊपर करते हैं। सपोज वो गलती जब हुई है तो हम अगर उसे समझ जाएं कि हाँ ये गलती हुई है, इसको हम ऐसे सुधार भी सकते हैं, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन होता क्या है कि जब गुस्सा आता है तो हम अपने आप को इतना उग्र रूप धारण कर लेते हैं कि बस पागल हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम हाथ उठा देते हैं, कई बार क्या होता है हम गालियां देने लगते हैं। मतलब जिसका जिस तरीके से गुस्सा निकालना होता है वो निकाल लेता है। तो दोस्तों, गुस्से को काबू करने के लिए सबसे पहले आप समझें कि गलतियां क्या है, ठीक है? उसको समझे क्यों आती है। जब आप उसको समझ जाएंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे प्रेम से रहें। जब प्रेम से रहेंगे तो सामने वाला भी आपसे प्रेम से रहेगा तो आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। अगर खाना आप पूरा सही तरीके से ले रहे हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ठीक है और आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा आने की सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है, क्या आप पूरी तरह अपनी नींद ले रहे हैं? अगर आप ढंग से नहीं सो रहे हैं तो भी आप गुस्से में हैं, क्योंकि आप तनाव में रहेंगे, नींद पूरी होगी नहीं, सुबह ही आपका
मूड खराब हो जाएगा और शाम तक आपको इतना गुस्सा आएगा कि कोई जरा सा भी अगर आपसे कुछ उल्टा सीधा बोला तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों हमें लगता यूँ है कि जो हम करते हैं वही सबसे सही है, दूसरा जो करता है वो सही नहीं है, और हम यही मार खा जाते हैं। क्या पता दूसरा हमसे ज़्यादा जानकार हो या हमसे ज़्यादा अनुभव रखता हो, लेकिन नहीं, हमें जो हम कह रहे हैं वही सही है, चाहे बेशक हो गलत हो। तीसरी बात दोस्तों, हमें नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो आप 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, 1 घंटा करें या 2 घंटा, लेकिन डेली करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा मन शांत हो रहता है। जब मन शांत रहेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, मतलब गुस्सा आने की वजह कम हो जाती है। हो सके तो आप मेडिटेशन करें, बेशक 10 मिनट के लिए, लेकिन करें। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।